क्षीर सागर में त्रिकूट नाम का एक पर्वत था और उसी पर्वत पर महात्मा वरुण का एक बगीचा था। उस बगीचे में बहुत सारे लहलहाते हुए पेड़ पौधे लगे हुए थे। उस बगीचे में एक सुंदर सरोवर मतलब तालाब भी था और उसी जंगल में एक हाथी गजराज गजेंद्र निवास करता था, एक हाथी रहता था। वेद व्यास जी लिखते तत्रैकदा तद्गिरिकाननाश्रया करेणुभिर्वारिण यूथपश्यरणं शकंटकान् कीचकवेणुभेत्रवद् विशालगुल्मं प्ररुजन् वनस्पति। उस जंगल में एक हाथी निवास करता था जो सैकड़ों शक्तिशाली हाथियों का सरदार था, खूब से हाथी जिसके संगी साथी थे उन सब का सरदार। उस हाथी की खूब सी पत्नियां और बहुत से बच्चे थे और राजा की तरह वो हाथी उस जंगल में निवास करता था। एक बार की बात है, वो हाथी अपने सभी संगी साथी, अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ उस जंगल में घूम रहा था। गर्मी का समय था, घूमते घूमते जब बढ़ रहा है आगे तो गर्मी में प्यास ज्यादा लगती है, हाथी को प्यास लगाई। अब जब प्यास लगी तो व्याकुल हुआ कि कहीं से तो पानी मिले। सोच रहा है आसपास कहीं कोई नदी तालाब सरोवर मिलता तो पानी पीता। इतने में एक ठंडी ठंडी हवा का झोंका आके उस हाथी से टकराया। हाथी समझ गया जिस दिशा से ठंडी हवा आ रही है उसी दिशा में कहीं कोई तालाब तो है, पक्के में है। हाथी उसी दिशा तरफ बढ़ा और जब आगे बढ़ा तो हाथी ने देखा कि वहां पर एक तालाब है। खुश हो गया, अब गर्मी में तालाब मिल गया, पानी मिल गया ठंडा ठंडा। तो सबसे पहले उसने अपनी प्यास बुझाई, पानी पिया, फिर अपने बच्चों को पानी पिलाया। फिर पानी वानी पी के वो जल के भीतर गया और जल के भीतर जाकर के हाथी पानी में क्रीड़ा करने लगा, जल में खेलने लगा। पानी हाथी सूंड में ले लेके अपनी पत्नियों पे डालता है, अपने संगी साथियों पे डालता है, अपने बच्चों पे पानी का छिड़काव करता है। खूब आनंद से हाथी पानी में उछल रहा है, कूद रहा है, खेल रहा है, पानी सूंड में भर भर के फेंक रहा है, खूब आनंद। पर हाथी को नहीं मालूम कि कितनी बड़ी आपत्ति आने वाली है। और हाथी को क्या, किसी के जीवन में भी जब कोई आपत्ति आती तो किसी को नहीं पता होता कि आपत्ति आने वाली है। पता होता है, परेशानी आने के पहले से पता चलता है नहीं? पहले से पता चल जाए तो हम सावधान ना हो जाएं कि परेशानी आएगी, भैया सावधान, सब व्यवस्थाएं कर लो। लेकिन जब व्यक्ति के जीवन में परेशानी आती है तो बिना बताए आती है और कई कई बार तो एक तरफ से नहीं चारों तरफ से आती है। हाथी के साथ भी कुछ ऐसा हुआ, वो तो पानी में मगन होके खेल रहा है, कूद रहा है, बच्चों पे पानी फेंक रहा है, पानी पी रहा है, नहा रहा है। उसको नहीं मालूम कि कितनी बड़ी आपत्ति, कितनी बड़ी विपत्ति, कितना बड़ा दुख, कितना बड़ा संकट, कितना बड़ा कष्ट, कितनी बड़ी परेशानी, कितनी बड़ी पीड़ा उसको मिलने वाली है। और अचानक पानी के भीतर से एक बड़ा भारी मगर आया और मगर ने आकर के हाथी के पैर को पकड़ लिया। अब जैसे ही पकड़ा, वेद व्यास जी लिखते हैं तम तत्र कश्चिन नृपदैव चोदितो ग्राहो बलीयाश्चरणे रुषाग्रही यद्रक्षयैवं व्यसनं गतो गजो यथा बलं सोति बलो विचक्रमे।
जल क्रीड़ा में उन्मत्त है, मतवाला है, कि एक मगर ने आकर के हाथी के पैर को पकड़ लिया, और जब पैर पकड़ा तो हाथी को अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि ये कोई बड़ी परेशानी, उसको तो लग रहा भी छुड़ा लूंगा, मैं भी शक्तिशाली हूं। दोनों अपनी अपनी शक्ति लगा करके लड़ने में लगे हैं, दोनों लड़ रहे हैं। हाथी कभी खूब शक्ति लगाता और मगर को पानी के बाहर घसीट के लाता, कभी मगर शक्ति लगाता तो हाथी को बिल्कुल पानी के भीतर खींच के ले जाता। दोनों का यही चल रहा है, ये घसीटता वो घसीटता, ये घसीटता वो घसीटता, और हाथी को थोड़ा सा यह भी है कि मेरे संगी साथी, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे सब तो मेरे साथ हैं, पूरा परिवार मेरे साथ खड़ा है, कोई साथ दे या ना दे ये मेरे अपने मुझे बचा लेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, सत्य है, थोड़ी सी कड़वी बात है लेकिन सच्ची है, कि जब व्यक्ति के जीवन में परेशानी आती है तो सबसे पहले अपने सगे वाले संबंधी ही साथ छोड़ के भागते हैं, सबसे पहले। और हाथी के साथ भी वही हुआ, उसको था कि मेरी पत्नियां हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे संगी साथी, मेरे मित्र, मेरे भाई बंधु सब हैं, लेकिन सबसे पहले वही संगी साथी उस हाथी को छोड़ करके भाग गए। और जब छोड़ करके भागे तो अब तक हाथी को थोड़ा एक सहारा था, एक बल था, एक आसरा था, एक विश्वास था, लेकिन जैसे ही उसके अपने छोड़ के गए तो हाथी भीतर से टूट गया, हाथी भीतर से टूट गया कि मेरे अपने मुझे छोड़ के चले गए। उस समय हाथी ने भगवान को याद किया। अब तक उसको भगवान की याद नहीं आई, हमारे साथ भी यही, हमको लगता है पूरा संसार है, पूरा परिवार है, सगे संबंधी हैं, भाई बंधु हैं, मित्र हैं, ये तो हैं हमारे साथ, लेकिन जब कोई साथ नहीं देता अंत में हम भगवान की शरण में पहुंचते हैं कि भगवान अब तो आप ही हो जो। और यदि हम दुनिया का मुंह ना देख के पहले ही भगवान की शरण में पहुंच जाएं तो वो ज्यादा अच्छा है। पर हाथी कब भगवान की शरण में गया है? संगवारे महत मतंगनी के संग सवे, निज निज प्राण ले परानी पुष्कर सो, कहे रतना कर बिचारो बलहारो, तब तेरी हरि पारयो कल कंज गही सरसों। जब उसके संग वाले, उसके अपने उसको छोड़ के भाग गए, तब बिचारो बलहारो, तब वो हार गया, टूट गया भीतर से। और जब भीतर से टूटा तो तेरी तेरी मतलब पुकार लगाई, टेर लगाई, किसको टेर लगाई? हरि पारयो। तब उसने पुकार लगाई है श्री हरि नारायण को, भगवान विष्णु को, और फिर उसको पूर्व जन्म में याद किया गया। एक श्लोक, एक स्तुति, एक स्त्रोत्र याद आता है और वो कहता है, एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोरथि, जजाप परमं जाप्यं प्राजन्मन्यनुसीक्षितम्। उसने अपने मन को, अपनी बुद्धि को एकाग्र किया, स्थिर किया, मन और बुद्धि को एकाग्र करके, स्थिर करके, मन और बुद्धि को बिल्कुल एकाग्र किया, स्थिर, और पूर्व जन्म में याद किया हुआ स्त्रोत्र वो कहता है, ओम नमो भगवते तस्मै यत एतत् चिदात्मकम् पुरुषायादि बीजायो परेशायाभिधि महि। हे भगवन, आप तो पुरुष रूप में सभी के भीतर विराजमान, पुरुष रूप में सबके भीतर आप बैठे हैं, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, बालिका हो, वृद्ध हो, वृद्धा हो, पशु हो, पक्षी हो, हे पुरुष रूप में विराजमान श्री हरि नारायण, हे सच्चिदानंद, इस विपत्ति से मुझे बचाइए। तब भगवान को बुलाया, और जब उसने भगवान को याद किया, जब उसने भगवान को बुलाया
तो वेद व्यास जी लिखते हैं कि जब एक भक्त बहुत दुखी होकर भगवान को बुलाता है, तब वो दुखी होने होकर के की गई पुकार अति शीघ्र पहुंचती है। हम भगवान को सुख में बुलाएंगे तो हो सकता है भगवान ना सुने, भगवान भी कह देते अरे भक्त खुश है चलो, लेकिन जब भक्त दुखी होकर के भगवान को बुलाता है तो वो दुख भरी पुकार, वो आर्त भाव से लगाई गई गुहार भगवान के पास बहुत जल्दी पहुंच जाती है। कितने जल्दी? बहुत जल्दी। रत्नाकर कवि लिखते हैं, वायु से भी सवेगिनी वो निराधार हुआ करती है, यंत्र व तंत्र उचाटन मोहन मंत्र का सार हुआ करती है, योग व यज्ञ जपाधि तपाधि को सेयो अपार हुआ करती है, ब्रह्म के अस्त्र से भी बढ़कर सदा भक्त पुकार हुआ करती है। इस दुनिया में हवा से वायु से अधिक यदि किसी की गति है तो किस मतलब वायु की गति सबसे तेज है वायु से, लेकिन वायु की गति से भी तीव्र गति से एक भक्त की पुकार भगवान के कानों में पहुंचती है। कब? जब भगवान भक्त को दुखी होकर के, जब भक्त भगवान को दुखी होकर के पुकारे तब तब बड़ी बड़ी मशीनों से यंत्र मंत्र इत्यादि से भी तीव्र गति से भक्त की पुकार भगवान के पास पहुंचती है। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी के अस्त्र ब्रह्मास्त्र से भी तेज गति से भक्त की पुकार भगवान के पास पहुंच जाती है। पर कब? जब भक्त भगवान को दुखी होकर के बुलाता है तब। और जब हाथी ने रो करके दुखी होके आर्त भाव से पुकार लगाई तो वो पुकार भगवान के कानों में पहुंच गई, और जब भगवान के कानों में पहुंची तो भगवान क्या कर रहे हैं, रमत रमा के संग आनंद उमंग भरे अंग परे थहरी मतंग औराधे पे, कहे रतना कर वदन दुति और भई बूंदे छई छलकी द्रगनी नेह नाभे पे, धाये उठी वारना उवारन में लाई रंच चंचला हूँ चकित रही वही वेगी साधे पे, आवत वितुंड की पुकार मग आधे मिली लौटत मिल्यो तो पक्षी राज मग आधे पे। जब उसने भगवान को बुलाया तो भगवान क्या कर रहे हैं, कहा भगवान माँ लक्ष्मी माँ रमा के साथ बैठ के हंसी मजाक कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, मनोरंजन की बातें। लेकिन जैसे ही भक्त की पुकार पहुंची भगवान के हाथ पैर कांपने लगे, भगवान की आंखों से आंसू बहने लगे, फिर भगवान ने विलंब नहीं किया, उठ करके दौड़ पड़े और भगवान पहुंचे हैं क्षीर सागर में जहां वह हाथी भगवान को पुकार रहा है। पहुंचते ही भगवान ने एक हाथ से चक्र चलाया, मगर के सिर को काटा, दूसरे हाथ से हाथी पूरा डूब गया था, हाथी की सूंड ऊपर निकली और सूंड में एक कमल का फूल लगाए हुए है, दूसरे हाथ से वो कमल का फूल उसने ग्रहण किया, तीसरे हाथ से भगवान ने ग्रहण किया, तीसरे हाथ से भगवान ने हाथी को थपथपाया कि चिंता मत कर मैं आ गया हूँ, और चौथे हाथ से भगवान ने हाथी को पकड़ा और पानी के बाहर खींच करके ले आए। इस तरह से भगवान ने उस गजेंद्र की रक्षा की, पानी के बाहर निकाल के उसके पूरे शरीर को साफ किया, उसके घावों को भर दिया, और भगवान अंत में हाथी से कहते हैं कि भैया मुझे आने में देर हो गई, मुझे क्षमा कर दो। भगवान यदि चाहते तो उसको डांट भी लगा सकते थे, क्योंकि गलती किसकी है, गलती किसकी है, हाथी की। हाथी ने भगवान को देर से बुलाया, हाथी मुंह देखता रहा परिवार का, मित्रों का, पत्नी का, भाइयों का, बंधुओं का, किए बचाएंगे, जब सब छोड़ के भाग गए तब उसने भगवान को बुलाया, तब जब सब भागे हैं तब वो भगवान को पुकारता है, गुहार लगाता है, टेर लगाता है। तो गलती है उसकी, लेकिन भगवान क्या कह रहे, भैया मुझे क्षमा कर दो, मुझे आने में देर हो गई, यदि मैं जल्दी आता तो कम से कम तुम्हें इतने बड़े बड़े घाव तो नहीं होते, तुम्हें इतने बड़े बड़े घाव तो नहीं होते।
यहाँ भगवान ने अपनी कृपालुता दिखाई है कि गलती उसकी, पर उसकी गलती को ढक करके अपनी गलती बता रहे कि मेरी गलती है, सब मेरे कारण। और इस तरह से भगवान ने उस हाथी की रक्षा की और रक्षा करके भगवान अपने धाम को वापस चले गए। भागवत में इस तरह से गजेंद्र मोक्ष की कथा का वर्णन वेद व्यास जी करते हैं। कथा बड़ी छोटी सी और सरल है कि एक हाथी पानी पीने के लिए गया, मगर ने पैर पकड़ा, हाथी ने भगवान को बुलाया, भगवान ने आके मगर का सिर काट के हाथी की रक्षा की, कथा पूरी। सार क्या है इस कथा का? सार ये है कि संसार ही सरोवर है, जिस संसार में हम रह रहे हैं ये संसार सरोवर है। और हाथी कौन है? हम और आप, इस संसार में रहने वाले हम और आप जीव ही हाथी हैं, जो संसार में डूबे हुए हैं, संसार की विषय वासनाओं में, संसार के भोग विलास में, संसार के रिश्ते नातों में लिप्त हैं, डूबे हैं। और मगर कौन है? मगर है काल, जो टकटकी लगा करके बस देख रहा है, और जब मौका आएगा और वो अपना बड़ा सा मुख फाड़ के उस मुख में हमको भर करके ले जाएगा, और फिर हमें अपने बचाव करने का तक समय नहीं मिलेगा। जैसे हाथी तालाब में था, मगर ने पैर पकड़ा, हाथी को भीतर ले जाने लगा, हाथी ने भगवान को बुला लिया, समय रहते उसने भगवान को बुला लिया, देर आए दुरुस्त आए, देर से भले पर भगवान को बुलाया। वैसे ही इस संसार रूपी सरोवर में हम रह रहे हैं और काल रूपी ग्राह टकटकी लगा करके देख रहा है, हमें भी भगवान के नाम को अपने जीवन में उतार लेना चाहिए, भगवान के नाम का आश्रय ले लेना चाहिए। अब आप ये भी सोच सकते हैं कि भगवान का नाम लेने से क्या काल हमें लेने नहीं आएगा, क्या भगवान का नाम लेने से हम मरेंगे नहीं, क्या हम अमर हो जाएंगे? इस दुनिया में अमर कोई नहीं है, जो आता है वो जाता है, इसका जन्म होता है उसकी मृत्यु तय है। जातस्य हि ध्रुवोर् मृत्युर् ध्रुवम् जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्येते न त्वं सोचितुमर्हसि। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि पार्थ, जिसका जन्म होता है जन्म के पहले ही मृत्यु तय हो जाती है, जन्म हुआ नहीं। जिस दिन जीव माँ के पेट में आता है, पेट में आने वाले दिन ही तय कर दिया जाता है कि यदि ये आया है तो ये जाएगा, उसी दिन तय होता है। तो जन्म के पहले मृत्यु निश्चित कर दी जाती है, इसलिए इस जन्म मृत्यु के विषय में व्यक्ति को बहुत ज्यादा शोक नहीं मनाना चाहिए और बहुत ज्यादा सोच विचार भी नहीं करनी चाहिए। तो जो आता है वो जाता है, उसको जाना पड़ता है। तो फिर भगवान के नाम लेने का फायदा क्या? भगवान का नाम लेने से व्यक्ति के जीवन से काल का भय समाप्त हो जाता है। ये जो काल आता है, मुंह फाड़ करके, मुंह में भर करके ले जाता है, कष्ट दे करके ले जाता है, लेकिन जब हम भगवान को पकड़ लेते हैं, भगवान के आश्रय हो जाते हैं, तो व्यक्ति के जीवन से काल का भय समाप्त हो जाता है। इसलिए समय रहते इस संसार सागर में हाथी की तरह हम भी मतवाले होकर के डूबे हुए हैं, न जाने कब वो ग्राह आए काल रूपी, उससे पूर्व ही हमें भगवान नाम को अपने जीवन में धारण कर लेना चाहिए, भगवान नाम को अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। गजेंद्र मोक्ष की पावन कथा हमें यह सिखाता है।